नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। EMRS TGT की वैकेंसी आ चुकी है जिससे आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। क्या सिलेबस है और जो कम्बिनेशन है आपका SST के लिए वो क्या चाहिए, मैथ्स वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, पोस्टिंग कहाँ होंगे, इन सब आपके जो प्रश्न हैं इन सब का जवाब आपको आज मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जिन्हें भी कोर्स ज्वाइन करना है TGT का वो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से कोर्स आप जो है परचेस कर सकते हैं। एकदम मिनिमम फीस में आपका कोर्स निकाला गया है TGT का, TGT इंग्लिश, TGT हिंदी और TGT मैथ। ये 899 में आप परीक्षा प्लस ऐप से इनरोल कर सकते हैं। बाकी जो आपका जनरल सब्जेक्ट है वो आप 699 में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके टोटल जो पोस्ट हैं 5660 पोस्ट हैं इसमें और ये लेवल 7 का है। और इसमें सैलरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सैलरी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है आपके टीचर की TGT की वही सैलरी है। 44,900 आपका बेसिक है, इसमें आपको 42% DA मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये आपका 63K तो आपका DA मिलाकर और बेसिक मिलाकर हो गया। उसके बाद और इंसेंटिव जब मिलेंगे तो और कटेंगे भी तो कुछ एक तरह से बोला जाए कि 62-63 हजार सैलरी तो आपके यहां बनी गई। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, पोस्टिंग ऑल ओवर आपके इंडिया होगी। जहां जहां EMRS विद्यालय हैं वहां वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज आपसे मांगा गया है इस वजह से कि आपका जो रीजनल क्वालिफाइंग होगा जो लैंग्वेज का पार्ट है उसी के प्रिफरेंस पे आपका हो सकता है कि जहां के आप हो सकता है वहां भी आपको एज ए टीचर रखा जाए। और यह भी हो सकता है कि आपको कहीं और भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन भर सकता है। तो एज लिमिट क्या है आपकी, एज लिमिट TGT के लिए 35 साल है, SC और ST के लिए 3 साल का छूट है और OBC के लिए यहां पे 5 साल की छूट है, SC ST के लिए और OBC के लिए 3 साल का है। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए 10 साल का छूट है, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो 35 साल वैसे है जनरली आपका, लोग भर सकते हैं। बाकी इंप्लॉई जो है EMRS के उसके अपर एज लिमिट जो है वो 55 साल है। ठीक है, ये आपका एज वाला क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब हम बात करें पोस्ट कितने किसके पोस्ट आए हुए हैं। तो हिंदी के आपके 600 पोस्ट हैं, इंग्लिश के 671 है, मैथ्स के 686, सोशल स्टडीज के आपके 670, साइंस के 671 और 3311 पोस्ट आपके ये जनरल हैं। बाकी और जो आपके हैं उनके भी पोस्ट हैं आपके, जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, इनके भी आपके 320, 342, 321, 345 है फिजिकल एजुकेशन का, लाइब्रेरियन का 370 है, 1697 के अप्रोक्स, 369 है लाइब्रेरियन का, 1697 के अप्रोक्स आपका ये वाले पोस्ट हैं जिनकी थोड़ी सी सैलरी आपके बोल सकते हो जो सब्जेक्ट वाले हैं उनसे कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी देखिए क्या बोला गया है। क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत दे रहा है, अगर आपके पास 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स है जो NCERT के द्वारा या NCT के द्वारा चलाया गया तो आप एलिजिबल हो। दूसरी बात, आपसे अगर बैचलर अगर ऑनर्स डिग्री है आपके पास और अपने सब्जेक्ट को आपने 2 साल तक पढ़ा है 3 साल के कोर्स में, तब आप एलिजिबल है, ये ऑनर्स के लिए है। हाँ, और यहां पे बोला बैचलर डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर डिग्री कोर्स। मतलब बाकी के लिए जो जनरल आपका ग्रेजुएशन होता है उसमें अगर आपने अपने सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा है तब आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी आपके लास्ट ईयर में 2 ही सब्जेक्ट अलाउ करती है, 3 सब्जेक्ट अलाउ नहीं करती है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए कि भी यहां पर नोट करके लिखा गया है। तो यही नहीं कि यहां से पढ़ के बस आप लोग ये सोचो कि नहीं हम नहीं भर सकते हैं क्योंकि हमने ये 3 साल नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटियों के तहत जो लास्ट में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसका भी यहां पर डिटेल में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, बोला गया जैसे अगर आपको TGT हिंदी में अप्लाई करना है तो हिंदी आपका अगर 3 साल है, इसके साथ कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, अगर TGT हिंदी में आपका 3 साल है, संस्कृत यहां कुछ नहीं मांगा कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए चाहे 10+2 में संस्कृत होना चाहिए, आप अगर हिंदी 3 साल पढ़े हो तो आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश आप अगर 3 साल पढ़े हो तो आप एलिजिबल हो। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में आपका क्या कंडीशन दिया गया, मैथ को देख लीजिए, मैथ का जो कंडीशन है आपके सामने यहां पर दिया गया है कि TGT मैथ में अगर बैचलर डिग्री आपका मैथमेटिक्स
किसके साथ है? फिजिक्स के साथ है, अलोंग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स। इसके मतलब बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स होना चाहिए आपका, मतलब आपके तीसरे साल में मैथ और फिजिक्स जरूरी है, ठीक है। बाकी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इसमें से होना चाहिए। इन केस सच यूनिवर्सिटी, जैसे बोला ना मैंने, कहा कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो तीसरे साल में बस दो ही सब्जेक्ट अलाउ करती हैं, ऐसे में जहां सिक्स एज ए मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड थ्री सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स में से फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में तीनों साल तक आपके तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तब ये आपका एलिजिबिलिटी होगा कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स में से एक सब्जेक्ट आपका हो और मैथ फिजिक्स कंपलसरी हो, ठीक है, इनमें से एक सब्जेक्ट, मतलब तीन सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर में होने चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां तीन सब्जेक्ट नहीं होता है लास्ट ईयर में, वहां पे आपका अंतिम वर्ष में लास्ट ईयर में मैथ फिजिक्स हो और बाकी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिक्स में से कोई एक हो, तीन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, मैथ फिजिक्स कंपलसरी है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, तीसरा क्या बना है कि अगर कैंडिडेट हुए पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, अगर आपका ऑनर्स की डिग्री है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो वुड बी कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स, एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्सेस, मगर इनमें से, बोला ना, इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड, फिजिक्स के बाद क्या लगा है, एंड लगा है, मतलब फिजिक्स चाहिए आपका, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो आप दो साल तक पढ़े हो, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जनरली है। और यहां पर बोल दिया कि कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल, मतलब आप फिजिक्स से या केमिस्ट्री से ऑनर्स हैं बीएससी में तो आप एलिजिबल नहीं है मैथ्स के टीचर के लिए, ये ध्यान रखिएगा। साइंस टीचर के लिए क्या बोला है, साइंस टीचर के लिए बोला है कि अगर आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है तीनों साल आपने पढ़ा है यही चीज, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द थ्री ईयर स्टडी इन द ग्रेजुएशन, ये कहा है। लेकिन कुछ आपका ये बोला है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जहां तीसरे साल में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, वहां पे आपको क्या है कि टू सब्जेक्ट, यहां बोला ना द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन फाइनल ईयर, मतलब इन तीनों में से अगर आपने कोई दो सब्जेक्ट फाइनल ईयर में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, कब, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने सभी पढ़ा है, तीनों पढ़ा है, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब ऑनर्स डिग्री के बाद क्या है, तो ऑनर्स डिग्री में यही बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर टू सब्जेक्ट एनी ऑफ टू ईयर ऑफ द कोर्सेज, मतलब कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपने दो साल पढ़ा है ऑनर्स डिग्री में तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक। टीजीटी सोशल स्टडीज की बात करते हैं, यहां कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हो कि कैंडिडेट हैव एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, जैसे हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आप अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको या तो तीनों साल पढ़ना जरूरी है या ज्योग्राफी है आपके पास तो इसको तीनों साल पढ़ना जरूरी है, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ऐसा नहीं कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस तीनों साल है और हिस्ट्री आप दोनों दो ही साल पढ़े हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। हिस्ट्री को तीनों साल, ज्योग्राफी को तीनों साल पढ़ना जरूरी है, या तो आप हिस्ट्री पढ़ लो तीनों साल या आप ज्योग्राफी तीनों साल रखो, ठीक है, वो सोशल साइंस से कम। अगर आपके पास हिस्ट्री तीन साल है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपके पास होना चाहिए, एक सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी रखा है उसके साथ आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि आपको दो सब्जेक्ट लेना होगा यहां पे सोशल स्टडीज के पेपर में, ठीक। तो यही यहां पर बोला गया, एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक आपका कंपलसरी है आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना, ठीक है, वही बोला, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी आपका तीनों साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में।
अब ऑनर्स डिग्री की बात करें, अगर हिस्ट्री में आपकी ऑनर्स डिग्री है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्सेस। मतलब इनमें से आप कोई दो साल पढ़े हो, बाकी इनमें से आपको जो दो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो तीन साल होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला बात यहां पर क्या बोला गया है, ऑफ द सिमिलर इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एनी ऑफ द टू ईयर। मतलब ऐसे ही ज्योग्राफी अगर आपके पास है ऑनर्स डिग्री में, ज्योग्राफी से किए हैं, तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से आपका कोई जो है दो साल तक आप पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स, कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज, ठीक है। तो वो वाले इकोनॉमिक्स वाले और पॉलिटिकल साइंस वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो कंसर्न लैंग्वेज एज सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल थ्री ईयर, मतलब जो भी आपके लैंग्वेज है वो आप अगर तीनों साल, जैसे आपका रीजनल लैंग्वेज है तो वो तीनों साल अगर आपने पढ़ा है तभी आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको सीटेट पास होना चाहिए। कह रहे हैं सर जी सीटेट यहां कौन सा चाहिए, देखो एक से पांच जो सीटेट होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, बाकी आपके सीटेट यहां पर पेपर टू ही मानेगा, ये ध्यान रखिएगा। सीटेट का पेपर टू आपका पास होना चाहिए। कई बच्चों की क्वेरी है सर ओबीसी वाले के लिए कितना, अरे ओबीसी के लिए जो मार्क्स होता है सीटेट में 82 नंबर वही यहां पे भी एलिजिबल होगा, और जनरल के लिए आपका 90 मार्क्स होता है तो वही एलिजिबिलिटी है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपका जो है बीएड डिग्री चाहिए, मतलब सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई चाहिए और बीएड डिग्री चाहिए, तो ये आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। हाँ, अब बात करते हैं जैसे टीजीटी म्यूजिक की, तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं पूरा बैचलर डिग्री म्यूजिक में चाहिए, बीएड डिग्री फोर, यहां पर आर्ट वाले के लिए क्या चाहिए, कुछ वाले आर्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा 10+2 में आर्ट रहा है, एक अलग से मैंने किया है, तो नहीं वो यूपी में होता है, यहां नहीं, यहां आपके पास अगर डिग्री है फाइन आर्ट या क्राफ्ट आर्ट में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल में अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके इसके जो हो गए, टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है आपके पास, ग्रेजुएशन के साथ अगर लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 और आईसीटीसी कंप्यूटर आपका 10 का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 10 ही आएगा। डोमेन नॉलेज में आपका अगर हम बात करें तो यहां 65 जो है आपका सब्जेक्ट का होगा, 10 जो होगा आपका ये पेडागॉजी बेस्ड होगा, 5 जो होगा आपका वो एनईपी से होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी खेलो इंडिया बोला है या फर्स्ट इंडियन एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है ये वाला पार्ट, ठीक है, और बाकी ये आपके इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज 10-10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 जो क्वालिफाइंग हो गए, आपको 40 मार्क्स इसमें लाना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इंग्लिश हिंदी आप ले लेंगे और रीजनल लैंग्वेज में आपके 18 लैंग्वेज है, 18 में से कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने रीजन वाइज, तो ये एग्जाम पैटर्न है। 120 क्वेश्चन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, 3 घंटे का पेपर होगा, 1 मार्क्स का 1 होगा, 0.25 निगेटिव होगा, पेन पेपर मोड होगा, ठीक है, पेन पेपर मोड होगा। सिलेबस ऑलमोस्ट आपका दे दिया गया है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं यहां पर पूरा पीडीएफ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस की वही है, रीजनिंग में आपका ये सिलेबस है, सीरीज, डायरेक्शन, डाटा सफिशियंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, कंप्यूटर में फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस है, कीबोर्ड, शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एब्रिविएशन है, साइबर सिक्योरिटी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टीचिंग नेचर है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेथड ऑफ टीचिंग है, ये सब है आपका, एवोल्यूशन सिस्टम है, पेडागॉजी का है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका है, और खेलो इंडिया सिर्फ पीईटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। हिंदी आपका सिंपल है, संधि समास विलोम, ये इसके लिए जनरल कोर्स चलाया जा रहा है, आप जनरल कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं 699 में, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, कंप्रिहेंशन, पैसेज, रीअरेंजमेंट, करेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर पूरा पढ़ना, जनरली आपका यही है सिलेबस। बाकी आपके सब्जेक्ट के सिलेबस ये सबका दिया गया है, आप इस पीडीएफ को परीक्षा प्लस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्हें भी
टीजीटी का कोर्स लेना है वो टीजीटी का कोर्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो ये देखिए आपकी किताबें हैं टीजीटी के लिए, जो ये आईसीटी का है, लैंग्वेज का है, मैथ्स, जो टीजीटी मैथ्स पढ़ोगे उसके लिए ये किताब है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी आएगी कॉमन में, तो ये आपको बुकलेट बुक जो ई बुक है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप परीक्षा प्लस ऐप से जब ज्वाइन होंगे तो, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें जो टीजीटी में सब्जेक्ट का जो कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ, वो आपका क्या चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है जो 899 प्लस जीएसटी है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मैथ्स है आपका वो भी 899 प्लस जीएसटी है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स टीजीटी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9450006007 और 9129970708070 पर आप कॉल करके इस कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। बाकी जो आपका जनरल सब्जेक्ट है, जिनको जनरल सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो 699 में आप जनरल जो पार्ट है आपका सब्जेक्ट छोड़ के वो मिल जाएगा परीक्षा प्लस ऐप पे। तो सभी कोर्स परीक्षा प्लस ऐप पर जो है लगा दिए गए हैं, आपके जो है चालू हो गए हैं, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।